वेलकम टू माय चैनल आशुतोष किचन। आप सब लोग कैसे, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं लच्छा प्याज। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। प्याज ले लेंगे, थोड़ी सी गोल मिर्च पाउडर ले लेते हैं या कुटा हुआ गोल मिर्च ले सकते हैं आप। मिर्च पाउडर ले लेंगे थोड़ी सी और काला नमक ले लेंगे और चाट मसाला ले लेंगे। चलिए प्याज को छील लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और खाने में भी अच्छा लगता है। जब तक हमारा प्याज छील रहा है तब तक हम आपको याद दिला दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। और मैं कौन तो बताया आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और इस तरह नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसका बीच का भाग निकाल लेते हैं दोस्तों, अब इसे गोल गोल काट लेंगे हम। इस तरह गोल गोल काट लेंगे। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, और आपको लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कुछ ही सेकंड लगता है दोस्तों, इसलिए आप थोड़ा सा हमारे सपोर्ट करिए, मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए सभी को काट लिए हैं, अब सभी को अलग कर लेते हैं। इस तरह एक एक पीस अलग कर लेंगे हम। ये आप कभी भी बना सकते हैं दोस्तों, ये चावल के साथ, रोटी के साथ, लच्छा पराठा किसी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ये होटल में भी पाया जाता है, कम से कम 50-60 रुपया तो लेगा ही। इसे आप आसानी से घर में बना सकते हैं। देखिए सभी रिंग को अलग कर लेते हैं इस तरह से। अब एक कटोरी ले लेते हैं और सभी लच्छा को उसमें डाल देते हैं। थोड़ा ठंडा पानी डाल देते हैं दोस्तों। प्याज को इस तरह डुबा के रख देंगे ठंडा पानी में, कम से कम 10 मिनट के लिए डुबा के रखेंगे ताकि प्याज हमारा क्रिस्पी बना रहे ज़्यादा समय तक। देखिए 10 मिनट हो चुका है, अब सभी लच्छा को हम पानी से निकाल लेते हैं। अब यहीं पर हम मिर्च पाउडर को मिला लेते हैं। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं दोस्तों उस हिसाब से मिला लीजिएगा मिर्च पाउडर। गोल मिर्च पाउडर को डाल देते हैं, काला नमक को डाल देंगे, और चाट मसाला को डाल देते हैं। सभी को मिक्स कर लेंगे। एक बार इस तरह से कप बना के आप खाइएगा दोस्तों, देखिएगा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये चावल दाल के साथ भी आप खा सकते हैं, चावल दाल का टेस्ट दोगुना हो जाएगा इस तरह बना के खाएंगे तो। आप इसे कभी भी घर पर बनाए और हमें कमेंट पर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।